अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार दाल गोश्त की रेसिपी, जो कि इतनी आसान है ना और इतना मज़े का बन के तैयार होता है ना कि आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे और आपका इसका बार बार खाने को इसको दिल करेगा। और आप इसे नान के साथ भी सर्व करें, परांठे के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। और आए देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 250 ग्राम ली है चने की दाल और इसे मैंने 20 मिनट्स पहले मैंने इसे भिगो के रख दिया था और अब हम इसे बॉईल होने रख देते हैं। और ये हमने एक बर्तन ले लिया है और इसमें मैं दाल डाल दूंगी और इसे हम बॉईल कर लेंगे ताकि दाल अच्छे से गल के तैयार हो जाए। और अब इसमें हम थोड़े से डालेंगे साबुत मसाले और इसके लिए 2 अदद लिए हैं मैंने तेज़पात का पत्ता, 1 टीस्पून लिया है हमने ज़ीरा और 6 से 7 अदद लिए हैं लौंग और 2 टुकड़े में लिए हैं दालचीनी के और ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसे अब हम पकने चढ़ा देते हैं, रख देते हैं एक साइड पर और साथ हम चिकन की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप डाला है कुकिंग ऑयल और इसके साथ में एक बड़ी साइज़ की ली है प्याज, इसे डाल देते हैं और साथ इसे हम गोल्डन सा ब्राउन कलर इसका कर लेते हैं। और माशाल्लाह प्याज़ें लाइट सा गोल्डन कलर देखें इसका आ चुका है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम 2 मिनट और मज़ीद पका लेंगे। और अदरक लहसुन पक चुका है, इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे टमाटर और इसे भी हम इसमें पका लेंगे और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर नरम ना हो जाएं। और टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, अब मैं इसमें थोड़े से डालूंगी पाउडर मसाले और इसमें 1 टेबलस्पून लिए हैं मैंने लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून लिया है नमक और 1 टेबलस्पून लिया है कुटा हुआ धनिया और मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट इसे हम मज़ीद और पका लेंगे। और इसके साथ 1 टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर और 1 मिनट इसे हम अच्छे से पका लेंगे ताकि हल्दी की महक ना रहे। और माशाल्लाह सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसमें मैंने 1 केजी लिया है चिकन और ये भी हम इसी में शामिल कर देते हैं और मिक्स कर लेंगे इसे। और तकरीबन 10 से 12 मिनट मज़ीद इसके हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे गोश्त की। और चिकन माशाल्लाह बहुत अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें मैं बॉयल हुई दाल डाल दूंगी और जैसे इसमें थोड़ा सा पानी था वो भी हम इसी में ही शामिल कर देंगे और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और तकरीबन 10 से 12 मिनट मज़ीद इसे हम पका लेंगे ताकि चिकन भी गल जाए और दाल का टेस्ट भी इसमें चिकन में आ जाए। और तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं गोश्त और चिकन को पकते हुए और अभी इसमें थोड़ा ज़्यादा सूप है और इसे हम हिला देंगे और थोड़ा इसका सूप हम और कम करेंगे भी। और तकरीबन 5 से 6 मिनट मज़ीद हम इसे और पकाएंगे। और चिकन का देखें काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है और अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी जूलियर कटी हुई अदरक और 2 से 3 अदद लिए हैं मैंने हरी मिर्च और 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें गर्म मसाला पाउडर और एक दफ़ा हम सबको मिक्स कर लेते हैं। और ये चने की दाल चिकन हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। और ये मज़ेदार सी चिकन दाल तैयार हो चुका है जो कि बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनके तैयार हुई है। और मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।